हेलो दोस्तों, ए टू जेड न्यूज़ सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं आरबीआई की न्यू गाइडलाइंस। आरबीआई मींस भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 महीने पहले ही 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी है। बैंक अब छोटे नोटों की छपाई पर जोर दे रहा है। इसके तहत आरबीआई के मैसूर प्रेस में 2000 रुपये के नोटों की छपाई भी बंद हो गई और 200 रुपये के नोटों की छपाई भी शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार अगले महीने करीब 1 अरब रुपए मूल्य के 200 रुपए के नोट बाजार में आने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की होशंगाबाद स्थित प्रेस यूनिट सिक्योरिटी फीचर चेक होने के बाद इन नोटों की कर्नाटक स्थित मैसूर और पश्चिम बंगाल स्थित सालबनी में आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रण के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा 500 रुपए के नोट की छपाई भी बढ़ा दी गई है। अब 200 रुपए का नोट बाजार में आएगा तो ये छोटे नोटों की कमी को दूर कर देगा, जिससे जनता की लेन देन की स्थिति में सुधार आएगा। जानिए 200 रुपए के नोटों से जुड़ी बातें। छोटे नोटों की किल्लत होगी दूर। 200 रुपए के नोट बाजार में आने से न सिर्फ रोजमर्रा के लेन देन में आसानी होगी, बल्कि अतिरिक्त मांग और छोटे गुणांक के नोटों में की सप्लाई में एक बैलेंस बनेगा। बैंक के पास अधिक मात्रा में नकदी एक एटीएम मशीन में औसतन 10,000 के नोट होते हैं। अगर हम मान लें कि एटीएम में केवल 100 रुपए के ही नोट हैं, तो इनकी संख्या और आपूर्ति बढ़ जाती है। मसलन एटीएम मशीन में करीब 25,000 करोड़ की अतिरिक्त नकदी पड़ी हुई है। सुरक्षा और निकासी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी बातें भी सामने आई हैं कि जहां इस बात का जिक्र किया गया है कि देश में नकली नोटों पर रोकथाम लगाने के लिए एडवांस फीचर वाले नोट जारी किए जाएंगे। साथ ही आरबीआई के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है और सुझाव के अनुसार इन 200 रुपए के नोटों को बाजार में एटीएम के जरिए नहीं लाया जाएगा। ये नोट सीधे तौर पर बैंक की शाखाओं से मिलेंगे। ऐसा करने से 2000 के नए नोट के बाजार में आने पर जो मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, उससे बचा जाएगा। कब तक आएंगे 200 रुपए के नए नोट? उम्मीद की जा रही है कि 200 रुपए का नया नोट जल्द ही बाजार में आ जाएगा। साथ ही आरबीआई ने इसकी छपाई भी शुरू कर दी है। और क्या है खास? आपको बता दें कि 1 रुपए का नया नोट भी प्रक्रिया में है। इसे जल्द ही फिर से जारी किया जाएगा। 1 रुपए के नए नोट की छपाई का काम साल 1994 में रोक दिया गया था, लेकिन साल 2015 में इस से फिर से लॉन्च कर दिया गया है। 1 रुपए के नोट पर आर्थिक मामलों के सचिव के हस्ताक्षर होंगे, जबकि अन्य सभी नोटों पर भारतीय आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो में बस